सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज है पार्ट नंबर 5। एक तरह से सारे टॉपिक्स इस पार्ट में हमारे कवर हो जाएंगे और हमारा जर्नल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप रिवीजन कर सकते हैं, कोई डाउट्स आएगा तो हम तो बैठे ही हैं। तो बच्चों, इसे पिछले वाले पार्ट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि बैड डेट्स रिकवर क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बहुत सारे टॉपिक्स थे। तो अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको यही कहूंगा कि प्लीज़ वो वीडियो देख के आएँ, क्योंकि वो जो टॉपिक्स है ना, होते छोटे छोटे हैं बट उसकी एंट्रीज बहुत सारी आती हैं। तो उसका लिंक एक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक आपको आई बटन पर बना आ रहा होगा। और जो लेक्चर वो देख के आ चुके हैं, आई बिलीव कि आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो बच्चों, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आ गया है, मैं एक डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दे दूंगा, उस पे बना आ रहा है, उसको ज्वाइन कर लो। कोई भी डाउट है उस पे पूछ लिया करो, वहाँ पे 24/7 इंटरेक्शन, सैम्पल पेपर्स, डाउट सॉल्विंग सब कुछ चलता रहता है, ठीक है ना? सो प्लीज़ उस लिंक को ज्वाइन कर लेना, ठीक है? तो बच्चों, आज एक तरह से हमारे लास्ट टॉपिक्स छोटे मोटे रह गए हैं, उसके बाद आपका जर्नल चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बच्चों, स्टार्टिंग करके चलते हैं दो तीन टॉपिक से, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। बच्चों, मुझे फटाफट से बता के चलो कि जब एक बिजनेसमैन अपने कैश काउंटर से, अपने बिजनेस के कैश काउंटर से ऐसे पैसे उठा के अपने प्राइवेट यूज के लिए लेके चला जाता था, तो एंट्री क्या होती थी? सर, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता था। वेरी वेरी गुड। मान लो बिजनेसमैन जो आपके गुड्स है ना, गुड्स जो आप परचेज करते हैं और सेल करते हैं, जो आपका मेन धंधा है, जिस चीज का मेन काम है, वो ही उठा के ले जाए। मान लीजिए आपकी टी शर्ट्स बनाने का काम है और आपकी टी शर्ट्स क्या हुए बच्चों, एक तरह से गुड्स हुए, और वो जब सेल करते हो तो सेल अकाउंट, और जब परचेज करते हो उसके लिए कॉटन, तो परचेज अकाउंट। ये तो समझा चुका हूँ, उसको छोड़ दो। तो वो टी शर्ट जो है ना, टी शर्ट बिजनेसमैन अपने घर के लिए ले गया, अपने प्राइवेट यूज के लिए ले गया। तो बच्चों, अब एंट्री क्या होएगी? सर, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू टू टू, सर हमने परचेज करा था जब वो, तो सर परचेज को हम कम कर देंगे। जब आपने परचेज किया होगा रॉ मटेरियल उन टी शर्ट्स के लिए, तो एंट्री पास करी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और मैंने आपको हमेशा बताया है, जब परचेज को ख़त्म करना है तो क्या कर दो, उल्टा कर दो। दैट मीन्स अगर वो बोल के चलता है कि ड्रॉइंग हो गई, ड्रॉइंग्स हो गई इन गुड्स में, कि वो जो मेन काम धंधे वाले गुड्स हैं वो ही घर ले गया, तो बच्चों एंट्री होके चलेगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है? हाँ जी सर, ये तो हमें समझ में आ गई। बच्चों, कभी कभार क्या होके चलती है कि कोई बंदा आया, कोई जैसे लो क्लास लेवल का, एक तरह से बोल सकता, कोई बैगर आ गया, उसको आप अपने गुड्स दे रहे हो कि जा तू यार एज अ चैरिटी ले जा। तो बच्चों, इसकी एंट्री क्या करेंगे? इसकी एंट्री करेंगे हम चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट को वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परचेजेस अकाउंट गुड्स बढ़े हुए थे जब हमने परचेज किए थे, और अब गुड्स हमने जो चैरिटी में दे दिए, इसकी वजह से गुड्स कम हो गए। और चैरिटी, चैरिटी एक तरह से यार होता तो खर्चा है, बट चैरिटी कर दी, चलो कोई बात नहीं, खर्चा कर दिया, उसको हम डेबिट कर देते हैं। उसके बाद ऐसे गुड्स, आपकी क्वालिटी जो थी ना कंपनी की, आपकी जो टी शर्ट्स की क्वालिटी है, उस पे सवाल उठ गए कि आपकी क्वालिटी बहुत ख़राब है। तो आपने एक डिसीजन लिया कि हमारी क्वालिटी ख़राब है, कोई बात नहीं, आप हमारे फ्री सैंपल्स लीजिए। आपने सारे लोगों में फ्री सैंपल्स बिकवा दिए, बंटवा दिए कि लो आप फ्री सैंपल्स हैं, आप देखो हमारी क्वालिटी अच्छी है कि बुरी है। तो बच्चों, फ्री सैंपल्स एक तरह से खर्चा होता है और गुड्स हमारे कम हो गए। फ्री सैंपल से हम पैसा तो लेते नहीं हैं, इसलिए कोई कैश वैश का कोई लेना देना नहीं है। तो फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स हमारे कम हो गए, जो हमने परचेजेस अकाउंट से खड़े किए हुए थे, टू परचेजेस अकाउंट। इतना क्लियर हुआ? यस सर, इतना क्लियर हो गया। अब मुझे एक बात बता के चलो, कभी कभार भगवान ना करे हमारी जो कंपनी है, हमारी जो शॉप है जिसमें टी शर्ट्स हम बना के चलते हैं, उसमें चोरी हो जाए। और चोरी पैसे की चोरी नहीं हुई, चोरी जो हुई है वो आपकी टी शर्ट्स की चोरी हुई है, या फिर गलती से आग लग गई। आग आपके पैसे को नहीं लगी, जो कैश काउंटर में कैश पड़ा है, आग लगी है आपकी टी शर्ट्स में। तो बच्चों, लॉस, इसकी एंट्री क्या होगी? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट लॉस, या फिर लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, जितने का हमारा गुड्स का नुकसान हुआ है उतने से हम कम कर देंगे, परचेजेस अकाउंट।
समझ में आया ये बात, यस और नो? अगर इसमें कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, ये मैंने सारे आपको छोटी मोटी एंट्रीज बता दी। बच्चों इसी केस को हम आगे पढ़ के चलते हैं, फटाफट से बताएंगे कि अगर हमें लॉस हो गया गुड्स का तो क्या एंट्री पास करते हैं। लॉस बाय, अगर फायर हो गया मान लीजिए सर, लॉस बाय फायर हुआ तो लॉस बाय फायर एक तरह से हमारा लॉस है। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है। बच्चों क्या आप जानते हैं? क्या सर? बच्चों लाइफ इंश्योरेंस नाम की एक चीज होती है। हाँ सर, मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा था कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है। एक तरह से भगवान ना करे अगर मेरे को कुछ हो जाए तो मेरे को इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिल जाते हैं। मैं उसके लिए हर साल इंश्योरेंस कंपनी को कुछ प्रीमियम देता रहता हूँ, और भगवान ना करे अगर मुझे कुछ हो जाए सर, मेरे पीछे जो बैठे हैं उनको इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से पैसे मिल जाते हैं। बच्चों इंश्योरेंस सिर्फ इंसान का होता है? नहीं बच्चों, इंश्योरेंस जो आपके गोदाम में, जो आपके फैक्ट्री में आपके गुड्स पड़े हैं ना, उनका भी होता है। दैट मीन्स भगवान ना करे अगर चोरी हो जाए, भगवान ना करे अगर आग लग जाए आपके गुड्स को, तो आप इंश्योरेंस कंपनी वालों के पास जाके बोल सकते हैं कि सर मैंने आपकी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लिया हुआ है, सर मेरे यहाँ आग लग गई है, सर मुझे अपने पैसे दे दो। दैट मीन्स मुझे क्लेम दे दो। उसको हम बोलते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके हम उनसे क्लेम मांगते हैं कि मेरी आग लग गई है और मेरे को अब क्लेम दे दो। तो बच्चों उसकी एंट्रीज कैसे पास करके चलते हैं। मान लीजिए आपके फैक्ट्री में आग लग गई, भगवान करे ऐसा हो ना, बट मान लीजिए आपके फैक्ट्री में आग लग गई है और उस फैक्ट्री में जो आग लगी है वो इंश्योरेंस आपने करवाई हुई थी। बहुत बढ़िया, खुशी की बात, उसकी आपने इंश्योरेंस करवाई हुई थी, ठीक है। तो बच्चों एक बार मुझे बात बताओ कि इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप क्या लोगे? सर इसके बाद हम तैयार व्यार होके, तैयार व्यार क्या सर, इसके बाद हम सीधा इंश्योरेंस कंपनी वालों के पास जाएंगे। तो बच्चों जब इंश्योरेंस कंपनी वालों के पास आप जाओगे और आपको पता है कि इंश्योरेंस कंपनी से मुझे पैसे रिसीव होने वाले हैं, बस अब आप तो एक पॉजिटिव माइंड के साथ ही जा रहे हो कि मुझे अब इंश्योरेंस कंपनी से पैसे रिसीव हो जाएंगे। तो बच्चों जिनसे हमें पैसे रिसीव होने वाले होते हैं वो कौन होते हैं? सर ऐसे डेटर से कोई रिलेशन बन रहा है इनका? हाँ डेटर तो हो जाता है कि मेन धंधे में अगर किसी से मुझे पैसे रिसीव होने हैं, बट एक चीज तो क्लियर है कि जिससे मुझे पैसे रिसीव होने वाले हैं वो तो होता है एसेट। इंश्योरेंस कंपनी से मुझे पैसे रिसीव होने वाले हैं तो मैं फर्स्ट एंट्री जब इंश्योरेंस कंपनी के गेट्स पे पहुंचूंगा उससे पहले घर में मैं एक एंट्री करके जाऊंगा, वो एंट्री होगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। एसेट को हम डेबिट करते हैं क्योंकि ये पैसा हमारे पास आने वाला है। टू क्या करेंगे सर? क्रेडिट। बच्चों आपने लॉस बाय फायर अकाउंट को एज अ डेबिट खड़ा किया हुआ था, बट अगर आपको ये पैसे मिल जाते हैं जो आप पॉजिटिव माइंड से आपने एंट्री कर दिया, दैट मीन्स अब ये लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट की अब इतनी कोई जरूरत नहीं है। पॉजिटिव माइंड की बारे में बात कर रहा हूँ, मिलेंगे ना मिलेंगे वो अलग बात है, बट हम एंट्री तो घर से करके निकलेंगे जब इंश्योरेंस कंपनी वालों के पास हम जाएंगे। तो हम लॉस बाय फायर अकाउंट को खत्म करना है कि मुझे पैसे हो गए मुझे लॉस नहीं हो, इसको क्या कर देंगे उल्टा, टू लॉस बाय फायर अकाउंट, ठीक है। और लास्ट में बच्चों जब इंश्योरेंस कंपनी देखती है आपके कागजात वगैरह और कहती है कि हाँ जी सब कुछ ठीक है, आपको अपने पैसे मिल जाएंगे, और जैसे ही आपको पैसा रिसीव होता है बैंक में, तो बच्चों एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू ये इंश्योरेंस कंपनी वालों को आपने खड़ा किया हुआ था कि मुझे इनसे पैसे रिसीव होने वाले हैं। डेटर्स को जब खड़ा करते हैं और डेटर से जब पैसे रिसीव हो जाते हैं तो उतने डेटर्स को कम कर देते हैं, वैसे ही इंश्योरेंस कंपनी को जब डेबिट किया हुआ था तो क्या कर देंगे? क्रेडिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, इसको मैं क्या लिखूंगा? व्हेन पेमेंट या फिर क्लेम इज रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, और इस वाली को क्या मैं लिख के चलूंगा? व्हेन यू मेक एन एंट्री फॉर रिसीविंग अ क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। ये वाली एंट्री क्या हो रही है कि आप जाने लगे हैं दिमाग में ये रखे कि मैं एक तरह से इंश्योरेंस कंपनी से पैसे रिसीव करने वाला हूं या करने वाली हूं, और ये एंट्री जब रिसीव हो जाते हैं। इतना समझ में आया? यस और नो?
हाँ सर इतना समझ में आ गया। मान लीजिए बच्चों कभी कभार केसेस ऐसे भी आते हैं कि आपको 40,000 का नुकसान हुआ है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, पॉजिटिव माइंड से लिख दिया कि मुझे मिल जाएंगे 40,000। बट इंश्योरेंस कंपनी वाले कहते हैं ये कुछ प्रॉब्लम हुई है इसमें, ये जो आग लगाई गई है ना ये आधी अधूरी आग लगाई गई है या फिर कोई चलाकी से आग लगाई हुई है, हम इसका पूरा क्लेम नहीं देंगे, हम सिर्फ इसका आधा क्लेम देंगे। दैट मीन्स जो 40,000 का लॉस हुआ है 20,000 हम पूरा नहीं देंगे और 20,000 का ही सिर्फ हम क्लेम देंगे। उस मामले में बच्चों मुझे एक बात बता के चलो, बैंक में कितना आया हमारे पास पैसा, हमारे पास आया 20,000 रुपये, ठीक है। और बाकी का जो पैसा जो हमें लॉस हो गया है बच्चों, हम आगे पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें जितने भी लॉसेस होते हैं ना वो डेबिट कर देते हैं, बाकी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे 20,000 से। और इंश्योरेंस कंपनी ने जो बोलना था बोल दिया, अब इंश्योरेंस कंपनी में हमने जो 40,000 यहाँ खड़े रखे थे ना, अब उसको बच्चों ख़त्म तो करना ही है क्योंकि फुल सेटलमेंट हो गई है, मैं क्या करूँ, अब नहीं दे रहे तो नहीं दे रहे, अब जो बुक्स में मैंने 40,000 से खड़े रखे हुए थे उनको कम तो करना ही करना है, तो मैं एंट्री कर दूंगा इंश्योरेंस कंपनी को 40,000। एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी 40,000। और ये क्या मतलब हुआ, व्हेन हाफ अमाउंट is only received by insurance company, ये वाली एंट्री कब पास करनी है, जब हाफ अमाउंट ही रिसीव हो पाई है। सर क्या करें, अब उनको नहीं दे रहे हैं पैसे तो सर मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो बच्चों आज ये थोड़े बहुत जो छोटे मोटे टॉपिक्स थे आपको क्लियर हुए, हाँ सर हमें क्लियर हो गया। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन करके चलते हैं, देखते हैं वो क्या कह रहा है और देखते हैं आपने कितना समझा इसको। सो बच्चों एक क्वेश्चन करके चलते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन आ रहा होगा, तो क्या कहके चलता है, जनरल एंट्रीज दे रखी हैं, कहता है प्रोप्राइटर ने विड्रू करा गुड्स 50,000, गुड्स वर्थ 25,000, बहुत सारी एंट्रीज हैं, वो एंट्रीज पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है ना, एक एक एंट्री आएगी उसको पढ़ते रहते हैं। सो बच्चों फर्स्ट एंट्री हम पढ़ के चल रहे हैं, नरेशन प्लीज अपने आप लिख लेना आप लोग। कहता है प्रोप्राइटर ने विड्रू कर लिए फॉर हिज पर्सनल यूज कैश ₹20,000 एंड गुड्स वर्थ ₹10,000। 20,000 तो कैश काउंटर से उठा के घर को ले गया और गुड्स उठा के भी 10,000 के घर को ले गया। फटाफट से मुझे बताएंगे, आएगी तो ड्रॉइंग्स तो आएगी ही, चाहे कैश लो चाहे गुड्स लो, सर ड्रॉइंग्स तो होती है, बट क्या क्या गया है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। एक चीज तो हमें पता है सर, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट कितने से होना है बच्चों, 20,000 + 10,000 से। क्या क्या लेके गया घर, एक तो कैश अकाउंट लेके गया है, कैश से पैसा लेके गया है कितना 20,000 रुपये, और सर गुड्स ले गया मतलब कि परचेजेस को कम कर दो, टू परचेजेस अकाउंट कितने से बच्चों 10,000, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड एंट्री में, गुड्स फॉर ₹50,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी, सेल्स प्राइस 60,000। बच्चों एक चीज देख लेना, कोई चीज जो आप फ्री में बेच रहे हो उसमें सेल्स प्राइस का कोई काम नहीं है, ये सेल्स प्राइस सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, आपने सिर्फ क्या देखना है गुड्स की वैल्यू एक्चुअल की। कहता है गुड्स हमने 50,000 रुपये चैरिटी में बांट दिए, ठीक है सर चैरिटी एक तरह से हमारा लॉस हो गया, मतलब कि डेबिट तो होगा, नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल इनकम्स और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, और टू सर परचेजेस अकाउंट इसलिए क्योंकि सर गुड्स हमारे कम हो गए, कितने से कर दोगे बच्चों 50,000 and 50,000। आई होप आपको ईजी लग रही हैं सारी चीज़ें, चलिए बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, मेरे को खुशी होती है आपको हर चीज़ अब समझ में आ रही है अच्छे से। अब आता है गुड वर्थ ₹25,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, ठीक है। तो बच्चों जब हम डिस्ट्रीब्यूट करके चल रहे हैं फ्री सैंपल्स, इसमें दो तरह के अकाउंट बन सकते हैं, या तो फ्री सैंपल्स अकाउंट बना लो या फिर इसको एक और नाम से बुलाते हैं, उसको हम बोलते हैं एडवर्टीजमेंट अकाउंट। आप सैम्पलिंग करके एक तरह से अपनी एडवर्टाइज कर रहे हो ना प्रोडक्ट्स को, तो उसको हम बोल सकते हैं एडवर्टीजमेंट अकाउंट। सो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, बच्चों कितने से होगा, ये होगा 25,000 and 25,000, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है फोर्थ एंट्री, क्या कहता है, कहता है गुड्स वर्थ ₹50,000 and cash ₹20,000 वर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। ओ माई गॉड, 50,000 रुपये के गुड्स चोरी करके भाग गया और 20,000 रुपये का कैश भी ले गया हमारे से, बहुत ही स्मार्ट चोर था, ठीक है। तो हमारे पास क्या एंट्री आएगी बच्चों, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस है बच्चों, एक तरह से लॉस हुआ है, एक तरह से खर्चा गया, तो हम इसको कर देंगे डेबिट, कितने से करोगे
70,000 से। और बच्चों कितने का पैसा, कितने के गुड्स ले गया, तो हम कर देंगे टू परचेजेस अकाउंट, 50,000 के सर गुड्स ले गया। और कैश कितने का ले गया बेटा, कैश हमसे ये ले गया है एक तरह से 20,000 रुपये का। बट भगवान की बहुत बहुत कृपा है, क्या कृपा है कि हमने इंश्योरेंस पहले से करवाया हुआ था। अब वो पढ़ेंगे आप अगली एंट्री में। सो कहता है गुड्स वर्थ ₹1,00,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अच्छा वो दूसरी लाइन से रिलेटेड है, मेरे को लगा कैश थेफ्ट का भी हमने करवा रखा है, ये अलग पॉइंट है बच्चों। तो फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, कहता है गुड्स वर्थ ₹1,00,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड क्लेम फॉर 60% ओनली। मतलब कि इंश्योरेंस की ₹1,00,000 के हमारे गुड्स जो हैं वो खाक हो गए, दैट मीन्स उसमें फायर लग गई। बट शुक्र है हमने इंश्योरेंस करवाया हुआ था, बट इंश्योरेंस कंपनी वालों ने धोखा दे दिया मेरे बच्चों। उन्होंने कहा कि हम 60% ही दे पाएंगे, दैट मीन्स 60,000 ही दे पाएंगे और 40,000 बाकी का नहीं दे पाएंगे, ठीक है। बट बच्चों ये चीज़ तो आपको तब पता लगेगी ना जब इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में जाएंगे। बट इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस से जाने से पहले मैंने आपको बताया एक एंट्री हम ज़रूर पास करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ, वो ये एंट्री पास करते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसा आने वाला है। खुशखबरी, इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसा आने वाला है पॉजिटिव माइंड के साथ। तो वो एंट्री क्या बनेगी बच्चों, एंट्री ये बनेगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू। ये लॉस जब हुआ होगा ना हमने ऊपर एंट्री कर दी होगी, बट यहाँ पे एंट्री दिखा नहीं रखी क्योंकि इसमें आपने मांगी नहीं है उन्होंने। तो हम ये सोच के चलेंगे कि लॉस बाय फायर ऊपर हमने कर दिया है, तो अब वो लॉस बाय फायर लॉस तो रहेगा नहीं जब इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसा आ जाएगा। तो हम लॉस बाय फायर को क्या कर देंगे, टेढ़ा कर देंगे, उल्टा कर देंगे, डेबिट था क्रेडिट कर दो टू लॉस बाय फायर। और इंश्योरेंस कंपनी एज अ पैसा आने वाला है एज अ एसेट, इसलिए हमने डेबिट कर दिया 1, 2, 3, 4, 5। पर जैसे ही हम उनके ऑफिस पहुंचे, उन्होंने बहुत ही तगड़ी दुख खबरी दे दी। कहते सर सिर्फ 60,000 ही रिसीव होगा, दैट मीन्स वो हमें जो बैंक में पैसा देंगे वो सिर्फ 60,000 ही देंगे, बाकी का सर 40,000 पे क्या करें बच्चों, बाकी का हमें लॉस हो गया। और लॉस क्या करते हैं हम आगे पढ़ेंगे, आगे आने वाले चैप्टर्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डेबिट में शो कर देते हैं लॉस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू। अब इंश्योरेंस कंपनी में आपने जब पॉजिटिव माइंड के साथ गए थे, आपने इंश्योरेंस कंपनी के ₹1,00,000 खड़े किए हुए थे, तो वो अब हमें ख़त्म करने हैं क्योंकि उसमें से फुल सेटलमेंट हो चुकी है, 60,000 रिसीव हुआ है, 40,000 का हमें लॉस हो गया और इंश्योरेंस कंपनी का हिसाब किताब ख़त्म, इतना ₹1,00,000। इसका बच्चों टोटल कर लेना। तो बच्चों ये थी आपकी लास्ट वीडियो ऑफ जर्नल एंट्रीज। वैसे तो क्वेश्चंस करवाने को बहुत हैं और मैं आपको हमेशा क्वेश्चंस करवाए भी हैं और आपको रिवीजन के लिए भी दिए हैं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा और क्वेश्चंस ट्राई करते रहिए। एंड बच्चों प्लीज़ व्हाट्सएप का ग्रुप जो हमारा बनाया हुआ है उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे कोई भी डाउट है रिगार्डिंग अकाउंट्स क्लास प्लस वन वो आप ज़रूर मुझसे पूछ के चलिए, यू विल गेट एन इंस्टेंट रिप्लाई ऑफ दैट। एंड बच्चों आज के वीडियो में कोई प्रॉब्लम है डू कमेंट या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं। एंड बच्चों एक रिवीजन क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। एंड बच्चों डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया। थैंक यू।